हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जसवंतपुरा में जैन संतों का ढोल धमाकों के साथ किया स्वागत। दक्षिण भारत से प्रवास करते हुए उत्तर भारत की ओर जाते समय आजाद हिंद फौज के पूर्व सदस्य 100 वर्ष आयु धारक 18 भाषाओं के ज्ञाता श्री विजय राज तिलक महाराज और श्री मोक्ष तिलक विजय महाराज का प्रवास के दौरान जगह जगह स्वागत किया गया। सोमवार को सुबह कस्बे में आगमन पर भाविकों द्वारा ढोल नगाड़े और जयकारों के साथ स्वागत किया गया। श्री विजय राज तिलक महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान मानव जीवन को साकार करने और सत मार्ग पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह मानव जीवन कितना दुर्लभ है और इसकी उपयोगिता परोपकार के लिए होनी चाहिए। इस दौरान श्री मोक्ष तिलक विजय महाराज ने व्यक्ति को अहंकार ईर्ष्या को भस्म कर जनहित हितार्थ के लिए जीने की प्रेरणा दी और कहा कि व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद नकारात्मक रूपी रावण को मारकर स्वार्थ और लालच जैसे तत्वों से दूर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने जीवन में हमेशा छोटा बनकर रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करना चाहिए। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और ग्रामीण में दर्शन करने की उत्सुकता हेतु भीड़ लगी रही। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।